हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड ऑफ शिलाठी वी विल बी स्टार्टिंग दिस व्लॉग, एंड दिस व्लॉग इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज हमारे घर एक नया मेंबर आया है और वो हमारे घर में आज पहली बार आने वाला है। दीदी भी पहली बार आने वाली है नए मेंबर के साथ, तो थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा। अभी जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अचानक से बना कि व्लॉग करते हैं इस चीज़ का। बाकी मेरा मैक्स ये भी खुश है बहुत। हाँ, और क्षेत्रीय आई हुई डेकोरेशन का, मैं आपको डेकोरेशन का दिखाता हूँ। अभी डेकोरेशन हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद वो लोग एक घंटे में आने वाले, तो वो भी शॉर्ट ऑफ टाइम स्टार्ट कर। प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, सारे दीदी जी का ही वेट कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल खुशी की बात है ना, तभी डेकोरेशन हो रहा है। अरे ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस है, वो लोग आधे घंटे में आने वाले हैं। और चेत्री अपने लिए किंडर जॉय लेके आई है। मैं लाई हूँ। कौन लाया अपने लिए? चेत्री। घर में एक ही दो बच्चे होने वाले, एक चेत्री है ही और एक आ रहा है। आ रहा है या आ रही है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। चेत्री ने जानबूझ के मुंह छुपा के बैलून फुला दिया क्योंकि इसको लग रहा है कि ये बहुत गंदी लग रही है, जिसको बिल्कुल सही लग रहा है। हालात देखो, शर्मा रही है। हाँ, आज पहली बार चेत्री दी बेस्टी व्लॉग में फीचर हो रही है, तो ये बहुत खुश है। हल्का सा तो छेद है क्या? फिर कैसे करेगी? है। इसमें छेद है। ओ शिट, डब्ल्यू के नीचे तो 10 करोड़ गड़े थे। गाइस, आपने देख ही लिया होगा किंडर जॉय किसके लिए आया था। I was just waiting for the moment. वीडियो रिस्टार्ट करने का है क्योंकि चेत्री ने कहा फास्ट फॉरवर्ड कर देता और वो बहुत ज्यादा आना चाहती मेरे व्लॉग में। बंद कर दे, अभी बंद कर, चल। मैं वेलकम बेल लगा लेना चाहिए। Just because of my mindset and timings, the things are going well planned. नहीं तो लोग तो 11, 11, 11:30 तक सो रहे थे। गिनती कॉल्स की तो गिनती नहीं है। बताओ कितने कॉल करे एक फोन से। हम लोग ना बैलून लेने गए और ना वहाँ पे ना हीलियम वाले बैलून दे रही थी आंटी, ना हीलियम वाले भर देना और वो ऊपर हो जाएंगे। तो चेत्री, मैंने कहा हाँ चेत्री, कहती हाँ ठीक है ठीक है, ये बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा हीलियम कहाँ से आएगी, कहती मुँह से हीलियम तो निकलती है। अरे यार, इसको मैं आखिर बोलूँ क्या? अरे नहीं, कवर मत कर, क्या बोलूँ, मुँह से हीलियम निकालती है। लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम माई लंग्स, वी हैव केम अप विद दीज मेनी थिंग्स। सम ऑफ द बैलून आर स्टिल लेफ्ट। She is happy to decorate my house. We are continuing it. Dedication level 20%. हाँ, ये देखो आप, ये देखो, खुशी ना शर्माती है थोड़ा सा व्लॉग में। यस गाइड्स, इट्स द टाइम। वो लोग गुरुद्वारा पहुंच गए सेक्टर 9 के, अब वो आ रहे हैं। उसके बाद आप कौन से मिलवाते हैं?
वो इम्प्रिंट ले लूंगा सब लोग इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा इसको थोड़ा सा ना ऐसे टिल्ट करो ताकि इसका पैर हम इसका हाथ से लगा दिया फिर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ। टच कर दो भैया। छोटे पैर। चिकली। मेरी चिकली। गुदगुदी लग रही है। लगाओ। वहाँ दीवार के पास कर ले ऐसे लगेंगे नहीं लग जाएंगे। ठीक है हाँ चलो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही प्यारा। आपको? बहुत 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 ट्रिपल क्यूब। ये एक्चुअली लॉयर है ना, इसलिए इनका सब कुछ वर्डिक्ट के हिसाब से होता है। जीजू की फीलिंग जानते हैं। जीजू सच से बताओ अंदर से कैसा लग रहा है और लाइफ में क्या चेंज लग रहा है टू बी अ डैड टू बी अ हस्बैंड? हस्बैंड से डैड तक की जर्नी दो दिन में कैसे बता दो भाई? अरे थोड़ा अंदर से चेंज लगता है ना, अंदर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई, यू स्टार्ट फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होता है, यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। अभी तो यार अच्छे से खुशी में बोल नहीं पा रहे। प्लस उसमें बैठ जाओ ना, तो ऊंचा भी है थोड़ा इस वाले से, तो एक तो चढ़ के बैठना होता है और फिर कोने से बीच में आने में जो दर्द होता है ना, वो फिर मैं कोने पे ही पड़ी रहती हूँ। लेकिन ये नीचा है तो इसमें इजीली हम बीच में नीचा भी है और फिर वो भी है वाला बेड जो है उसको हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है वो सारी। लेकिन एक खासियत उस बेड में जो इधर नहीं है वो रिमोट, जिससे ऊपर नीचे जो होता था वो कंफर्टेबल था उसमें, मतलब बॉडी थोड़ी कम हिलानी पड़ती है, खुद ही बैठे रहो वो अपना चढ़ ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, वो चीज अच्छी। रिमोट वाला बेड आपका क्या तात्पर्य है? बट घर जैसा आराम हॉस्पिटल में कहाँ होता है? बैठो ना ऊपर चढ़ जो खाने खाने पापा
खाने की बात, ये लड़की हर जगह खाती है, इतना खाना खाती है। So at the end of the conversation, you'll have a lot of content with you, so that you can, you know, go with all the content again. And to be specific, ये सब बात content के लिए नहीं हो रही है, ये एक random talk है. बैठिए. Obviously random talk ही है. कैसे कैसे बंद करते हैं? सब मीठा, बहुत मीठा है, खा रहे मीठा. वहाँ मीठा यार, आपके लिए मीठा. तो दो, तब क्या है? तुम क्या दे रहे हो? हाँ, 154.